दोस्तों यदि आपके पास रियलमी का कोई भी स्मार्टफोन है उसमें आपका जो डाटा है बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहा है, बहुत जल्दी उड़ रहा है, बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो आप किस तरीके से उसे बंद कर सकते हैं। चाहे आपके पास जियो की सिम हो, एयरटेल की हो, वीआई की हो, बीएसएनएल की हो, ठीक है, बस आपको एक सेटिंग करनी होगी अपने रियलमी के स्मार्टफोन में और आपका डाटा जो है मोबाइल का डाटा वो अपने आप नहीं ख़त्म होगा, ठीक है, और एकदम से जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। जो सेटिंग बताऊंगा वही आपको करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले चला जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइए। मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, आपको ये कर्सर फॉलो करना होगा, ठीक है। मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ चलना है तो यहाँ पे आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ सर्च बार में भी आप सर्च करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है। तो आपको यहाँ देखना है कि आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है तो अपडेट कर लीजिए, नहीं तो आप नहीं करना चाहते तो रोक दीजिए। उसके बाद यहाँ सेटिंग के आइकन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये लिखा है ऑटो डाउनलोड वाईफाई, तो इसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डोंट नॉट अलाउ पे क्लिक करके और इसे डिसेबल कर देना होगा, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक डाउनलोड अब नहीं होगा ये, ठीक है, यानी कि अपडेट नहीं होगा, आप जब चाहेंगे तभी होगा। तो आपको यहाँ से एक सेटिंग तो ये करनी होगी। दूसरी सेटिंग आपको अपने व्हाट्सअप में जाना है, तो चलिए व्हाट्सअप में चलते हैं। तो जैसे कि व्हाट्सअप ही रहा है, इस पर हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर आपको मिलेंगे थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये चौथे नंबर पे मिलेगा स्टोरेज एंड डाटा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे जो मीडिया ऑटो डाउनलोड के होते हैं। तो इन ऑप्शन को आपको यहाँ पे जो टिक लगे होंगे इस तरीके से दिखा सकते हैं हमें, यहाँ पे ये टिक आपको हटा देने होंगे, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ ओके कर देना होगा। ये तीनों में आपको करना है, ठीक है, ये तीनों में भी, ठीक है, बस आपको WhatsApp के अंदर ये सेटिंग करनी होगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या करना है, आपके फ़ोन में ही एक एप्लीकेशन होती है जिसका नाम होता है फोटोज़, ठीक है, इस एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये अपडेट के लिए मांग सकता है, तो यहाँ पे आप नॉट नाउ कर सकते हैं या अपडेट कर लीजिए, जैसे अभी मैं नॉट नाउ कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद सिंपल से आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं फिर यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे की तरफ फोटो सेटिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे। फोटो सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो उसका मिलेगा बैकअप एंड सिंक, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसका ये ऑप्शन अगर आपका ऑन है तो इसे आप बंद कर दीजिए बस, ठीक है, ये आपको इसमें करना होगा। उसका नेक्स्ट है, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो इंस्टाग्राम को आप ओपन करेंगे, अगर नहीं है तो नेक्स्ट बताऊंगा स्टेप में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं इंस्टाग्राम यूज़र हूं तो मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूं, उसके बाद इंस्टाग्राम जैसे ही ओपन होगा उसके बाद मैं सेटिंग आपको बताऊंगा। जैसे कि नीचे की तरफ आपको लोगो नज़र आएगा, ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ थ्री डॉट पर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने थ्री डॉट पर क्लिक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा सेटिंग, तो सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने का यहाँ पे आपको मिलेगा अकाउंट, अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अब ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेलुलर डाटा यूज, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये आपका यदि ऑफ है तो इसे आप ऑन कर दीजिए। उसके बाद हाई रेजोल्यूशन मीडिया, इसे आप यहाँ पे वाईफाई या फिर सेलुलर प्लस कर सकते हैं, नहीं तो आप नेवर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये आपको करना होगा। नेक्स्ट आपको और तकनीक बताऊँगा, ठीक है। अब आप अपनी फेसबुक ओपन कीजिए, ठीक है, फेसबुक चलाते हैं तब, उसके बाद यहाँ पर आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं डाटा सेव और मोड आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे ये ऑफ हो तो बस आपको इसे ऑन कर लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है तो सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मीडिया का एक ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर ऊपर ही आपको ये शो हो जाएगा डाटा सेवर मोड, ठीक है, तो इसे आप लगा लीजिए। उसके बाद आप अपनी फेसबुक से बाहर निकलेंगे, फेसबुक से बाहर निकलने के बाद आप सॉरी यहाँ से मैं कट कर दे, फिर यहाँ पे आपको एक काम और करना है, आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं लोगो नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगी जैसे मैनेज ऐप्स वगैरह यहाँ पे, और यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है तो सेटिंग पे क्लिक कीजिए। यहाँ लिखा है नेटवर्क प्रेफरेंस, इस पर क्लिक करना है और यहाँ दो ऑप्शन नीचे की तरफ ही आपको शो हो रहे हैं, ऑटो अपडेट्स ऐप्स, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, इसे आप डोंट कर दीजिए और डन कर दीजिए। ऑटो प्ले वीडियो, इसे आप डोंट कर दीजिए, डन कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपको करना है। फिर नेक्स्ट है अपने यूट्यूब में आपको ओपन करना है यूट्यूब ऐप को, ठीक है, जैसे मैंने ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे आपको लोगो पे टैप करना है और नीचे की तरफ आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाटा सेविंग, अगर नहीं मिला है तो आप प्ले स्टोर से जाके सबसे पहले यूट्यूब एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। उसके बाद यह ऑप्शन यदि ऑफ है तो इसे आप ऑन कर लीजिए और नीचे वाला जो ऑप्शन होता है इसे आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिक आपकी जो
वीडियो है चलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें करना होगा। ये आप जो सेटिंग मैंने बताई वो आप कर लीजिए, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, यदि आप कोई वेब सीरीज वगैरह MX प्लेयर या किसी पे देखते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह पे, तो वहाँ पे नेट जल्दी ख़त्म होता है, तो आप उसे डाउनलोड करके देखिए तो सही है, नहीं तो आपका डाटा बहुत जल्दी कंज्यूम होता है वहाँ पे। ठीक है, और अगर आप कोई शॉर्ट वीडियो ऐप यूज़ करते हैं जैसे कि MX टकाटक है या फिर मौज ऐप है, इनमें आप डाटा सेविंग मोड को ऑन करके ही इसे यूज़ कीजिए फ़ोन को। ठीक है, नहीं तो आपका मोबाइल डाटा जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, जो सेटिंग बताएंगे आप कर लेंगे तो आपका जल्दी डाटा नहीं उड़ेगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में लेता हूं विदा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी। जय हिंद।